एनसीबी रिवर्स गियर में काम कर रही है। वो सीधे तौर पर किसी भी सितारे पर हाथ नहीं डाल रही। तीन और सितारों के नाम आए थे, आपको भी मालूम होगा, उनको डायरेक्टली अभी नहीं पकड़ रही। उससे पहले वो सबूत जुटा रही है, उनके डीलर को पकड़ रही है, ताकि उनको पकड़ने के बाद जब उस सितारे को पकड़ा जाएगा तो वो छूट ना जाए, उसको बेल ना मिल जाए। इसीलिए रिवर्स गियर में काम किया जा रहा है। एनसीबी की इस बारे में तारीफ करनी होगी। और आज एनसीबी के हाथ में एक बड़ी मछली हाथ लगी है, क्योंकि जब से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जेल गए हैं, उसके बाद से इनके जो साथी हैं, इनके जो ड्रग पेडलर हैं, ड्रग डीलर हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और आज जिस बड़ी मछली को पकड़ा है, उसका नाम है राहिल विश्राम। राहिल विश्राम के घर से बरामद की गई है ड्रग्स, और वो भी 4 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 4 करोड़ रुपए की चरस बरामद की है एनसीबी ने, और इसके यहाँ से 4.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं एनसीबी की टीम ने। एनसीबी की टीम का कहना है कि इसका शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और अनुज केशवानी का सीधा कनेक्शन है। अनुज केशवानी वही जिसकी हमने आपको कल ड्रग चैट दिखाई थी, और ये सभी आपस में एक नेटवर्क बनाकर काम करते थे। और राहिल विश्राम ने तो इतना तक कह दिया है कि वो और उसके बॉस बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करते थे, बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को ड्रग सप्लाई करते थे। आप समझिए कि किस तरह से डॉट्स जोड़े जा रहे हैं, किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीछे जहां से सप्लाई आ रही है, पहले उसे पकड़ा जा रहा है, और फिर जिसको सप्लाई हुई उसको बाद में पकड़ा जा रहा है। ठीक ऐसे ही रिया और शौविक के केस में भी किया गया था। पहले कुछ ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया, उसके बाद रिया शौविक को गिरफ्तार किया ताकि उनकी बेल ना हो पाए, और ऐसा ही अब आगे भी किया जा रहा है, ताकि जब उन सितारों के नाम, जो भी नाम आए हैं, चाहे वो रकुल हो या सारा अली खान हो या सिमोन हो, उन जब उन सबको पकड़ा जाएगा तब वो छूट ना पाए, उनको बेल ना हो जाए। ये सिर्फ तीन और नाम थे, 25 और सितारों की लिस्ट भी तैयार है एनसीबी के बाद। एक एक करके एनसीबी उन सितारों को भी पकड़ेगी, लेकिन पहले सोर्स को गिरफ्तार करना जरूरी है, ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जाएं, इनका नेटवर्क का भांडा फोड़ा जाए, एक एक चैट रिवील की जाए, एक एक एविडेंस सामने पेश किया जाए, ताकि इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए।